स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग शुरू हो गई, वहीं का रुख करेंगे। ऑल पॉजिटिव ट्रेंड देश में नोट कर रहे हैं विद द न्यू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बीइंग नोटेड थ्रू द न्यू केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी एफर्ट्स के चलते हम देख रहे हैं कि देश का ओवरऑल रिकवरी रेट इम्प्रूव भी हुआ है। जहां तीन मई वाले दिन में अगर देश में टोटल रिकवर्ड केसेज वर अराउंड 81.8%, तो अब हम देखते हैं 4 जून तक वह बढ़ते बढ़ते 93.1% हो गया है। हमने देखा है कि पिछले 2 माह में ओवरऑल रिकवरी हमारी 93% उस स्टेज पर, हम पिछले 2 माह के एफर्ट कंटिन्यू करते हुए इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। इसी तरीके से जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा की है कि एक स्थाई पर देश में हमने टेस्टिंग को बढ़ाया है, दूसरे स्थाई पर कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स करने की वजह से ओवरऑल देश की पॉजिटिविटी यानी कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन का जो मेजर है उसमें भी कमी नोट की गई है। आप देखेंगे तो पाएंगे जहां 30 अप्रैल वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 21.6% थी, वह अब घटते घटते 7.27% हो चुकी है। और इसके साथ ही मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि देश की हर स्टेट में अब हम एक कंटिन्यू डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी भी नोट कर रहे हैं। साथ ही अगर हम इसी डेटा को फर्दर एनालाइज करें कि पिछले एक हफ्ते में पॉजिटिविटी का ट्रेंड कैसा रहा है, तो हम देखेंगे कि जो कंटिन्यू डिक्लाइन है तो वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी देश में इस समय 7.27% है, और अगर हम पिछले 24 घंटे की पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज एज लो एज 6.38%। यहां हम फिर आप लोगों के द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे कि ये ट्रेंड बनाए रखना है। जरूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स, जरूरी है हमारी रिस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसी स्थाई से चलता रहे। साथ ही जैसे हम देखते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो उसमें भी हम देखेंगे तो पाते हैं जहां 7 मई वाले वीक में ऐसे 92 जिले थे देश में, अब वह बढ़कर 377 जिले हो गए हैं, यानी कि 285 जिलों में यह वृद्धि नोट की गई है। यहां यह समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने की वजह से पॉजिटिविटी कम हो रही है, साथ ही ओवरऑल केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल एक्टिव केसेस यानी कि जो केसेस हेल्थ सिस्टम को मॉनिटर करने उसमें कमी पाई जा रही है, एंड ओवरऑल देश में रिकवरी में एक अच्छी बढ़ोतरी नोट की जा रही है। वैक्सीन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, देश में अब तक 22.41 करोड़ टोटल डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज कवर किए गए हैं। और साथ ही जो नई लिबरलाइज अप्रोच के तहत 18-44 ईयर्स के लोग अलाउ किए गए थे, उसमें भी अब एक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 2.43 करोड़ पीपल हु हैव बीन गिवन डोजेज नोट किया गया है। मुख्यतः जरूरी है कि हम आने वाले समय में जहां हम केसेस में कमी नोट कर रहे हैं, रिकवरी में एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, हम अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर उसी तरह से, उसी मोमेंटम से, उसी एनर्जी से, उसी स्पीड से काम करते रहें। हमारे 5 प्रिंसिपल जिसको हम हमेशा आपके द्वारा सब लोगों से विनती करते रहे हैं, जिसमें कि हमारा मेन फोकस है कि टाइम पर टेस्टिंग कराएं, साथ ही टेस्ट होने के साथ प्रॉपर आइसोलेट करें, और हमारे संपर्क में आने वाले जो लोग हैं जिनके चांसेस है कि वो भी पॉजिटिव हो सकते हैं उनकी टेस्टिंग कराएं ICMR प्रोटोकॉल के तहत, जो लोग होम आइसोलेशन में रहें वे होम आइसोलेशन की गाइडलाइन फॉलो करें, और जिनको जरूरत है वे हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के तहत अपना ट्रीटमेंट कराएं। नए एक हमारे जो आर्मर है, नया एक सपोर्टिंग टूल है वैक्सीनेशन, हम उस पर ध्यान दें, उसके बारे में कोई भी भ्रांति ना रखते हुए वैक्सीनेशन जब भी जिस भी सेंटर में हमारे पास अवेलेबल हो हम वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और साथ ही मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इज इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम रूट कॉज पर काम करें, हम ये इंश्योर करें 2 गज की दूरी, यूज ऑफ मास्क एंड प्रॉपर सैनिटेशन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए इन्फेक्शन को फैलने से एब इनिशियो स्टार्टिंग से ही फैलने से रोकें। धन्यवाद। कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है एंड दिस इज द डेटा ऑन पॉजिटिविटी
is also encouraging, but we are continuing to enforce a high level of, very high level of coverage of testing, which is a very core and pivotal tool toward pandemic control. Because with testing, you start to identify positive cases, you look after them, and with once you detect positive cases, you also then respond in other ways. So testing is absolutely critical. And then the cascade of contact tracing, containment, isolation, quarantine, all starts. So it's so critical, and that is being maintained very effectively. While this second wave is declining, in the context of global data, it may be worth mentioning, we have not mentioned this for long, कि अगर हम कोविड केसेस पर 10 लाख पॉपुलेशन देखते हैं, कोविड केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन, सो नाउ ओवरऑल इंडिया इज 20,519. दिस डेटा इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, जस्ट रीडिंग दैट 20,519. वर्ल्ड एवरेज इज स्टिल हायर देन अस, 22,181. Just to mention a couple of other countries, UK 65,900 odd, USA 1,02,069, a huge multiple. So even with the second wave, overall burden experienced adjusted for population is relatively modest. We keep that in mind. As a matter of fact, COVID deaths per million, India is 245 per million population in terms of deaths. World average is 477. 477 average, and we are 245. Brazil, just for example, is 2,100, almost 8 times. USA is 1,838, almost 6 times or so, 5 to 6 times. This is just a perspective that we would like to just share it. Important issue is, and that needs re-emphasis and re-emphasis, is that this situation has resulted from strong. तो कंटेनमेंट पर जोर देने से पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, 65% केसेस जो हैं वो 5 राज्यों में हैं, भारत में हालात लगातार बेहतर होते हुए वैक्सीन की डोज की बात की जाए तो 22 करोड़ 41 लाख डोज अभी तक वैक्सीन की दी गई है। चल लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ, आप देख रहे हैं प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।